मैं प्रकाश पर्व दीपावली के इस अवसर पर अपने जनपदवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। और मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण देश में यह प्रकाश पर्व दीपावली बड़े उत्साह के साथ लोग मनावें और अपना जो ये परंपरागत तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, आपसी मेलजोल बनाए रखें और पूरे आनंद और खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें तमाम ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे रावण विजय के उपरांत, तो इसीलिए प्रकाश पर्व दीपावली अयोध्या के तत्कालीन उस समय की जनता ने उनके स्वागत में ये दीपदान किया था, प्रकाश उत्सव किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लाखों वर्ष बीत जाने के बावजूद उस परंपरा को हम सब हिंदू जीवित रखे हुए हैं और उसको श्री राम के आदर्श के स्वरूप में उसे विश्वास में रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे श्री राम ने एक आदर्श स्थापित किया था समाज में भाईचारा और सबको एक साथ ले चलने का, वह आचरण हर मानव अपनाए, मानव कल्याण की बात सोचे, मानव की प्रगति की बात सोचे, किसी प्रकार का भेदभाव जाति धर्म भाषा से ऊपर उठ करके विश्व कल्याण की बात सोचे, विश्व बांधुत्व की बात सोचे और अपने धर्म की वृद्धि के साथ साथ दूसरे के धर्मों के प्रति आदर भाव रखे, यही हमारी शुभकामना है। जी आपका पूरा परिचय। ओम प्रकाश तिवारी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।